जय हिंद दोस्तों, गाजीपुर ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। ये कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही घातक और जानलेवा है। प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के कारण मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण देश के विभिन्न शहरों के अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। आए दिन अस्पताल में ऑक्सीजन के कमी के कारण कोरोना संक्रमण से मरीजों की मृत्यु की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में रेलवे देवदूत बनकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रेलवे चलाएगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और उसके अनुरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए रेलवे ने देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात संयंत्रों से ऑक्सीजन लेकर यह ट्रेन मुंबई समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाएगी। इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है और सोमवार को मुंबई से पहली ट्रेन ऑक्सीजन लेने के लिए रवाना हो जाएगी। रेलवे मंत्रालय के अनुसार ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन रोरो मॉडल यानी रोल ऑन रोल ऑफ मॉडल पर चलाई जाएगी। रोरो मॉडल में तरल ऑक्सीजन से भरे टैंकरों को रेल के फ्लैट डिब्बों के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा और अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद उन्हें उतार लिया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति तेज करने के लिए रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया है, यानी ऑक्सीजन एक्सप्रेस बिना किसी रुकावट के आ जा सकेगी। दरअसल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए रेलवे से इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया था। ऑक्सीजन आपूर्ति का अभी तक कोई भी अनुभव नहीं होने के बावजूद रेलवे ने इसकी संभावनाओं पर काम करना शुरू किया। रेलवे के पास अपने वैगन में ऑक्सीजन ढोने का कोई विकल्प नहीं होने के कारण रोरो मॉडल पर विचार किया। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने अपने 4002 कोचों को कोरोना केयर कम आइसोलेशन फैसिलिटी में तब्दील किया है ताकि राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराई जा सके। आई होप कि आपको ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।